तो आई थिंक वो एक अचीवमेंट होती है. मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि कोई भी शो को सेट होने में टेलीविजन में 2-3 महीने लगते हैं. आई थिंक हमारे शो की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है और इतनी रिलेटेबल है कि लोग हर चीज़ को एक्सेप्ट करके, हर चीज़ को समझ के पेशेंटली देख रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, और ये होप कर रहे थे कि सचिन साइली फाइनली एक साथ कब आए. एक दुल्हन जो दूध का ग्लास लेके खड़ी है और एक दूल्हा जो बाटली लेके दारू पी रहा है चकना लेके. क्या जब एक शो सुपर हिट होता है मैं अकेला सक्सेस का क्रेडिट लेता हूँ क्या? नहीं लेता हूँ ना, एक टीम क्रेडिट लेती है. तो जब एक शो नहीं चलता तो वो एक्टर के ऊपर क्यों आता है कि अरे यार इसका तो ये लास्ट शो नहीं चला. मेरा शो नहीं था भाई, सबका शो था. बहुत अच्छा लगता है देख के कि शादी सचिन साइली की हो रही है, पर एक्साइटेड आप सब अपने घरों पे ऐसे हैं जैसे हम आपके घर के फैमिली मेम्बर हैं. सो आई थिंक वही प्यार है जिसके लिए हम एज एक्टर्स जीते हैं. हाय दिस इज कमर ढिलन, आपका अपना सचिन. हाय दिस इज नेहा हरसोरा, आपकी साइली. और आप हमें देख रहे हैं बज़ूका पे. थैंक्स. बढ़िया है, आप कैसे हो? बहुत गर्मी है. बहुत ठंडी है भाई, ओले पड़ रहे हैं बाहर. हाँ हाँ बहुत ठंड है यार, स्वेटर निकल गए और मतलब मजा आ रहा है. बस नहा रहे हैं रोज. वैसे नहीं नहाती थी? अच्छा अच्छा, वैसे इसका मीम मत बना देना भाई. पर बहुत गर्मी है और उसमें भी जो काम करना होता है हमें आउटडोर इंडोर में भी बहुत गर्मी लग रही है. मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट कि अंदर सेट के अंदर हमें इतनी गर्मी लगेगी. बाहर तो हालत ख़राब ही है. हाँ बहुत गर्मी है आज. मतलब मैं कंस्ट्रक्शन भी इतना चल रहा है. हाँ और आज प्लस मैं बाइक पे आया, इतनी गर्मी है यार, कोई हवाई ऐसा लग रहा है लू चल रही है बॉम्बे में पहली बार. एंड मतलब इतनी गर्मी बॉम्बे में नहीं होती यार, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. यार बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप मेकअप करके, अपना हेयर करके कोई आउटडोर सीक्वेंस शूट कर रहे होते हो. आपको पसीना भी मैनेज करना है, आपको ये भी चीज़ देखनी है कि यार ज़्यादा आपकी शक्ल शाइन ना कर रही हो, ज़्यादा पसीना पसीना ना आ रहा हो, क्योंकि फिर वो भी स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगता. 50 चीज़ें देखनी होती है. साथ में यू हैव टू ऑल्सो टेक केयर कि आप हाइड्रेटेड रहो, आपको ठीक फील हो, आप वीक ना फील करो. सो बहुत चीज़ें होती हैं, हर इंसान की लाइफ में होती है, नॉट ओनली एक्टर्स. जो धूप में काम कर रहे हैं सभी को होती है. लोग थिंक अबाउट द पीपल जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं. हम तो क्या ही कंप्लेंट करें, हम तो प्रिविलेज्ड हैं भाई. बट जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, जो स्टेशंस पे काम करते हैं, जो जो भी काम करते हैं यार, जो BMC वाले सड़कों पर काम कर रहे हैं, उनकी क्या वाट लगती होगी. तो हम तो क्या ही कंप्लेन करें, बट आई थिंक है गर्मी बहुत है गाइस. सो मतलब जस्ट बी हाइड्रेटेड और ध्यान रखो अपना. हाँ नहीं बट धूप तो बहुत ही है, बिकॉज अभी भी हम ट्रैवल करके आ रहे हैं इतना, और ऊपर से पोल्यूशन भी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन दैट इज़ गोइंग अराउंड. मेरे घर के सामने भी बिल्डिंग बना रहे हैं, रीडेवलपमेंट चल रहा है, बहुत सारा डस्ट एंड एवरीथिंग. एंड कितना भी आप बचा लो खुद के फेस को या खुद को भी, यू हैव टू टेक दैट काइंड ऑफ एयर एंड दैट हीट वेव दैट वी हैव. बट ठीक है, वही हाइड्रेटेड रहो और ट्राई करो कि दिमाग खराब किसी और का ना करो, बिकॉज सबके दिमाग भी बहुत गर्म होते हैं आजकल. सचिन और साइली की जो आशा है वो बहुत ऊंची उड़ान ले रही है, डिस्पाइट ये भी चल रहा है, IPL भी चल रहा है, तभी भी उड़ान काफ़ी अच्छी भर चुकी है. आप लोगों ने मीम्स पर देखते रहे, हर जगह आपका शो छाया हुआ है. तो व्हाट डू यू से, क्या ब्लेस फील करते हैं कि ऑडियंस ने आपको अपना लिया? ऑफ़ कोर्स आई थिंक एज एक्टर्स जब आप एक नया शो लेके आते हो, आप हमेशा, हर इंसान यही चाहता है कि उनका शो चले, हर इंसान यही चाहता है कि उनका किरदार चहीता हो, अपनाया जाए. एंड आई थिंक जब घरों में किरदारों को अपने घर का एक हिस्सा समझने लग जाए लोग इतनी जल्दी, तो आई थिंक वो एक अचीवमेंट होती है. मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि कोई भी शो को सेट होने में टेलीविज़न में 2-3 महीने लगते हैं, 1.5 से 2 महीने तो आराम से लगते हैं सेट होते होते. उसके बाद आपको स्थिति पता चल जाती है क्या है क्या नहीं. तो टचवुड ये पहले महीने में इतनी पॉजिटिविटी और इतने डिसेंट नंबर्स हम कर रहे हैं IPL होने के बावजूद, सो दैट्स अ गुड साइन. प्लस आई ऑलवेज बिलीव कि उड़ने की आशा इज़ अ शो, इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ हियर टू स्टे एंड मेक अ मार्क एंड ग्रेजुअली ग्रो, बिकॉज ये थोड़ा अलग शो है. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से आपके दोनों मेन लीड्स आपके चेहरे पर रब किए जा रहे हैं हर सीक्वेंस में.
यहाँ आपके जो हीरो हीरोइन हैं उनके मैक्सिमम सीन्स इनिशियल 20-25 एपिसोड में अपने अपने परिवारों के साथ हैं, बीच बीच में एक दूसरे को मिलते हैं, बाकी टाइम ही अपनी जिंदगियों में है। तो ऐसे शोज़ बहुत ही ट्रिकी स्पेस वाले होते हैं हमारे इंडियन टेलीविजन में, बट आई थिंक हमारे शो की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है और इतनी रिलेटेबल है कि लोग हर चीज़ को एक्सेप्ट करके, हर चीज़ को समझ के पेशेंटली देख रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, और ये होप कर रहे थे कि सचिन साइली फाइनली एक साथ कब आएँ। एंड आई थिंक ये जो नया प्रोमो अभी शादी वाला आया था जहाँ पे सचिन पूछता है कि बाबा इसका नाम क्या है, उसने बहुत ही इंट्रीग क्रिएट किया कि ओके फाइनली ये लोग साथ में आ रहे हैं, प्लस प्री कैप्स हमारे शुरू हो गए कि शादी हो रही है, तो आई थिंक इस वीक से तो लोग कुछ अलग ही लेवल के एक्साइटेड हैं। या लाइक लोग जानते ही थे कि शादी होगी, बट अभी तक वेट करते कब होगी भाई, कब होगी, कब होगी, कब होगी। ये तो शादी किस हाल में हुई है वो देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई। हाँ, वेरी अनलाइक टेलीविजन शादी। सो या शादी के मंडप में भी आप दोनों लड़ रहे तो ये क्या कहां तक जाएगी होने की आशा, क्या जो प्यार होता है वो थोड़े दिन में, यू नो टिपिकल जो इंडियन टेलीविजन होते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता एटलीस्ट 100-150 एपिसोड तक वो टिपिकल प्यार इनका होने वाला है। इतने तो ये आसान लोग ही नहीं है कि ये 50 एपिसोड में मान जाए। हमें सोचो ना, हमें एक दूसरे को फेस करने में ही हमें 30-35 डेज लगे कि हमारी शादी किया, और अभी हमारी जो फाइट होने वाली है बहुत सारी, क्योंकि अब एक छत के नीचे सचिन और सायरी ऑपोजिट पीपल, तो देयर इज गोना बी लॉट ऑफ फाइट एंड नोकझोंक जो आपको देखने मिलेगी कि क्यों और कैसे, और जिस स्पेस में हम फाइट भी करेंगे बाहर कैसे फाइट कर रहे हैं, अकेले में होते कैसे फाइट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत देखने मिलने वाली है कि इन लोगों का अलग ही मतलब चल रहा है कि रूम आपको एक बहुत अलग सुहागरा देखने मिलने वाली है। कभी देखी बहुत अलग, एक दुल्हन जो दूध का ग्लास लेके खड़ी है और एक दूल्हा जो बाटली लेके दारू पी रहा है चकना लेके, तो ऐसा सुहागरा तो आपने कभी टीवी पे देखा है? नहीं देखा है, तो बस समझ जाओ कि इसके बाद आपको क्या क्या देखने मिलने वाला है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हमने सीन्स शूट किए हैं इसके बाद के भी, सो आई कांट वेट टू सी इट। मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, हमें शूट करने में मजा आया। आप दोनों से सर कि हमेशा से टीआरपी की रेस तो ऑफकोर्स होती है, लेकिन पहले उतना ज्यादा नहीं होता था कि लिमिटेड शोज थे, आजकल प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा हो गए, ओटीटी या कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो क्या एज एन एक्टर थोड़ा फील करते हैं कि यार आई थिंक एज एन एक्टर तो क्या हो गया है ना, हम एक्चुअली डाउनसाइड पता है क्या है सोशल मीडिया का, कि हम इतने अनवांटेड प्रेशर में जीते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, और वो प्रेशर आप इतना लेते हो अपने ऊपर जो आपके हाथ में भी नहीं है। पहली बात तो एक शो दिस तो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि क्या जब एक शो सुपर हिट होता है मैं अकेला सक्सेस का क्रेडिट लेता हूँ क्या? नहीं लेता हूँ ना, एक टीम क्रेडिट लेती है। तो जब एक शो नहीं चलता तो वो एक्टर के ऊपर क्यों आता है कि अरे यार इसका तो ये लास्ट शो नहीं चला, मेरा शो नहीं था भाई, सबका शो था। जब सुपर हिट होता है तो ये नहीं बोलता कि कंवर का वो शो सॉलिड सुपर हिट था, नहीं, अरे उसका फलाने प्रोड्यूसर का ये शो बहुत चल गया, तब ऐसी भाषा होती है। तो एक्टर्स के साथ ये चीज़ बहुत होती है, तो आई डोंट थिंक एक एक्टर अकेले टीआरपी का प्रेशर ले तो वो जस्टिफाइबल है, क्योंकि बहुत सारे क्या बोलते हैं पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग होती है, एडवर्टीजमेंट होती है, बहुत सारी होती है, सिचुएशन होता है, अभी IPL का सिनेरियो है, बट इन स्पाइट ऑफ IPL एंड एवरीथिंग आई थिंक वी आर डूइंग डिसेंट नंबर्स एंड टच वुड वी आर डूइंग गुड, वी आर स्लॉट लीडर्स एंड एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीवन इज़ हैप्पी। I just hope that post this phase the show grows more, जो हमें उम्मीद है कि होगा definitely, and for now I think TRP का pressure लेने से अच्छा है कि हम ये phase enjoy करें, जो लोग हमें प्यार दे रहे हैं वो phase enjoy करें, and I think pressure क्या ही लेना है यार, जो चीज़ चलनी होगी ना वो चल जाती है भाई, तो yeah. सी आई इनिशियली फेल्ट कि यार 9 o'clock का स्लॉट मिला है विच इज़ वेरी गुड, एंड एट द सेम टाइम आई वॉज थोड़ा स्केर्ड कि वॉट इफ़ आई एम नॉट एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्शन और द ऑडियंस और माई पीपल अराउंड मी, बट देन एक दिन आई जस्ट फेल्ट कि ठीक है, इट्स नॉट द ओनली पैरामीटर ऑफ वर्किंग इन दिस फील्ड, और खुद को फिर ठीक है, मतलब आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ कि आई हैव टू फोकस ऑन माई जॉब, दैट्स माई परफॉर्मेंस,
एंड रेस्ट ऑल द थिंग्स विल हैपन अल्टीमेटली. अगर मैंने अच्छा काम किया, अगर हम सीन अच्छा निकाल रहे हाँ एग्जैक्टली अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी या मेरे साइड से आई एम गिविंग 100% एंड इवन द पीपल अराउंड मी हु आर वर्किंग अलॉन्ग विद मी, तो ऑटोमेटिकली हमारा TRP अच्छा आएगा. एंड आई एम नॉट द ओनली वन टू बी ब्लेम्ड. आई फील लाइक जैसे कवर ने भी बोला कि इट्स नॉट ओनली वन पर्सन का थिंग, इट्स एवरीबडी. सो हर चीज़ मिल बैठ के खाएंगे और करेंगे. ऑफ कोर्स वो आप अकेले थोड़ी बुलेट थोड़ी लोगे. कैप्टन को बोला जाता है अदरवाइज. अभी सवाल रामनवमी का खास दिन, इस खास दिन पर राम मंदिर पर जो सूर्य तिलक लगाया गया, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमेज, बहुत बहुत ब्यूटीफुल. आई थिंक आई रेड समवेयर कि एवरी 5000 ईयर्स में एक बार ऐसा कुछ एक जनरेशन को देखने मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 500 हाँ तो 5000 मतलब हो गए ना भाई. तो मतलब ये मैंने पढ़ा कि ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कि बहुत सालों में एक बार ऐसा देखने मिलता है. एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल विजुअल. मैंने अभी हमारे इंटरव्यू के पहले वो विजुअल देखा एंड आई मीन जिसने सामने सामने देखा होगा तो बहुत ही सुंदर विजुअल हो गया है. इवन आई गॉट टू नो अभी व्हेन यू टोल्ड मी, बिकॉज़ आई डिड नॉट सी एंड अभी तक देखा नहीं था मैंने, बट देख के बहुत अच्छा लगा. एंड आई सो वॉन्ट टू गो देयर एज आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, कि बहुत मन करता है कि जब फ्री हो गए शूट से एक दिन या दो दिन का अच्छा टाइम मिले एक बार दर्शन कर ले. सो या आई एम वेरी हैप्पी विद द थिंग दैट हैज हैपेंड. थैंक यू सो मच गाइस. वी डोंट हैव मच टाइम टू डिस्कस ऑल दीस थिंग्स. लास्टली एनी मैसेज टू द फैंस, टू द व्यूअर्स, दोज हु आर गिविंग ऑलरेडी सो मच लव एंड पोस्ट आईपीएल इट विल वेल आपके मुंह में घी शक्कर. आई होप पोस्ट IPL सब ब्लास्ट ही करे और उड़ने की आशा अपनी उड़ान और एक्सेलरेट करे. बस तब तक आप हमें प्यार देते रहिए एंड थैंक यू हमें पसंद करने के लिए, साइली और सचिन को अपने घरों का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाने के लिए, कि रोज 9 बजे आप TV लगाते हैं और हमारा शो देखते हैं. एंड बहुत अच्छा लगता है देख के कि शादी सचिन साइली की हो रही है, पर एक्साइटेड आप सब अपने घरों पे ऐसे हैं जैसे हम आपके घर के फैमिली मेम्बर हैं. सो आई थिंक वही प्यार है जिसके लिए हम एज एक्टर्स जीते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उड़ने की आशा, रात 9 बजे Monday to Sunday on Star Plus.